السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم अलहमसली महम्मद यूँ वाला अली मोहम्मद यूँ वबारिक वसलम रब यसर वला तो वत बमर और सौदरी वसरअली अमरी वाहलतम लिससानी यफ़ कहू कौली वजली वज़ीरमिन आहली आमी या रबल आदमी कुरानी हकीम में से सूर आलिमरान के दो मकाम का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया और सूर नूर की आयात उन्नीस बीस और इक्कीस की तिलावत की गई आज गुजशत चंद दिनों से तनजीम इस्लामी के जेरहतम पाकिस्तान भर में हमने हया और ईमान इस इसवान से तकरीबन एक दस रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया है और तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जहाँ और दावत के तदरीस के तरबियत के अमूर का सिलसिला जारी रहता है वहीं माशरे में असलाह के हवाले से और मुनकरात के ख़ात्मे के हवाले से भी हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करते हैं अपने उस मुसलसल काम के साथ के अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह सुबहान दीन को गालिब और क़ायम करने की जिद्दोजहद करना भी हमारे फ़राइज में शामिल है और अमर बिलमूफ़ व नहीं अन मुनकर यह फरीज़ा इस उम्मत के कान्दों पर है चुनाचे नबी अक्रम सल्ला वसलम की ज़िम्मेदारी थी सूर्य आराफ की आयत नंबर एक सौ सत्तावन में हज़ूर नबी अक्रमाम के फ़राज़ के बयान के दिल में जिक्र आया कि यह अमरुहम बिलमूफ़ यहाँ अन मुनकर अल्लाह के रसूल सलाम इन लोगों को मारूफ़ का हुक्म देते हैं मुनकर से रोकते हैं और ख़त्म नबूत के बाद हुजूर की नियाबत इस उम्मत ने करनी है और ख़त्म नबूत के बाद वो वो ज़िम्मेदारी जो हुजूर अंजाम दे रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमूम के अतबार से उम्मत ने अंजाम देनी है चुनाद उम्मत को इस काम के लिए खड़ा किया गया सुराल इमरान की आयत नंबर एक की तिलावत की गई एक हिस्सा कुन तुम खैरा उम्मन उख रिजत लन्नास तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया तमरून अबिलूफ़ी ना हून अनिलकर तो मारूफ का हुक्म दोगे मुनकर से रोकोगे बारर इस उम्मत को जो खड़ा किया गया वो रसूल अक्रम सलाम की ख़त नबूत के बाद उन्हीं के काम उन्हीं के मिशन, उन्हीं की ज़िम्मेदारियों को आगे अंजाम देने के लिए हमारे उस्ताद डॉक्टर शरासा फरमात रहमत ला लोग तो फ़खत अपने लिए जीते हैं हमें दूसरों की भी फिक्र करनी अपनी भी फिक्र करनी अपनी भी नजात की फ़िक्र करनी है और इसके साथ दूसरों की भी फिक्र करनी और अगर उम्मत बाय लार्ज सो रही हो गफलत का शिकार हो तो फिर उम्मत में जिनको एहसास हो वो तो आगे बढ़ें, वो तो इजिमायत इख्तियार करें और वो तो इस सरीजे को अंजाम देने में अपने तन मन धन को लगाने की कोशिश करें चुनाच ये बात सो रहे आलिमरान की आयतम एक सौ चार में जिक्र की गई वल तुम मिन चाहिए तुम इसे गिरोही जमात हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए वही अमरून मिल मारूफ का हुक्म दे मुनकर बदी से रोके खैर की तरफ बुलाए खैर भलाई को भी कहा जाता है वैसे खैर का लफ्ज़ कुरानी हकीम में माल के लिए भी आया मगर वो यहाँ तो अप्लाई नहीं होगा कि माल की तरफ लोगों को दावत दें लेकिन खैर भलाई के मफह में भी है और एक बहुत बड़ी भलाई बल्कि सबसे बड़ी भलाई खुद कुरानी हकीम है चुनात सूर नहल की आयत नंबर तीस में जिक्र आता है कि ईमान वालों से पूछा जाता है मादा अनजला रबूकों तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया कौलु खीरा वो कहते हैं खैर नाजिल किया तो एक मुराद कुरान की तरफ दावत देना भी और नेकी का हुक्म दे वो गिरो और बदी से रोके आगे फरमाया कि व उला एक का हुमल मुफलिकन यही लोग फलाह पाने वाले हैं अरबी उसलूब यह हसर का उसलूब है ये काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी ये करने वालों को ही कामयाबी मिलेगी बास लोगों का ख्याल होता है कि अच्छा काम है दावत का काम करना खैर की तरफ बुलाना कुरान की तरफ बुलाना नेकी की दावत देना बदी से रोकने की कोशिश करना अच्छा काम है कुछ अच्छे भरी लोग कर रहे हैं तो ठीक है कुछ लोग कर लेना लेकिन आयत के आखिर में फरमाया कि यही लोग कामयाब होंगे तो अगर जो लोग ये फरमा रहे हैं वो उन कुछ लोगों के साथ ये काम नहीं करना चाह रहे और उनको नजात की फिक्र ना हो तो बात अलग है कामयाबी की फिक्र ना हो तो बात अलग है वरना अल्लाह फरमा रहे व उलई का हुमुल हो यही फला पाने वाले हैं ये तो करना पड़ेगा हाँ अपने इल्म और अपनी कुदरत और अपनी इस्तात और अपने दायरे कार के अतबार से लेकिन उम्मत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है चुनाचे इसी जिम्मेदारी के तसल में अमर बिलमारू व नहीं अनिल मुनकर इस फरीजे को अंजाम देने की हम भी तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ज़ाती सतह पर इनफरादी सतह पर अपने घर की सतह पर अपने दायरे कार में भी चाहते हैं कि हमारे रफ़ा तंजीम ये काम करें हम मेहनत करें और फिर कभी इजमाही सतह पर आमतौर तो पर हर तीन महीने पर हम एक मुनकरात आगाही मुहिम का अहतमाम करते हैं कभी इंसदा सूद के तालुक़ से कि सूद का खात्मा हो कभी बेपरदगी उसका खात्मा हो तर्क सलाद का मामला यानी लोग नमाज़ अदा नहीं कर रहे तरक ज़क़त का मामला लोग जक़़त अदा नहीं कर रहे वरासत में बेटी और बहनों को हिस्सा नहीं दे रहे जादू टोने का मामला हराम काम इख्तियार कर रहे हैं वगैरह वगैरह इस तरह के मुनकरात के खात्मे के लिए हम गाहे ब मुनकरात के खात्मे के लिए मुहिम का अहतमाम करते हैं इसी तसल में तकरीबन ये छब्बीस फरवरी से लेकर सात मार्च तकरीबन ये दस दिन बनते हैं पाकिस्तान भर में हमने कोशिश की है कि हया और ईमान के अनवान से अपनी भी याद दहानी के लिए और भारत इस माशरे के अफरा इनकी याद दहानी के लिए भी इस मुहिम का हमने आगाज़ किया अब मैंने इब्तदा में तीन आयात तिलावत की हैं और उन आयत का तर्जमा थोड़ी देर में आपके सामने रख कर मज़ीद इस पर कलाम हम आगे करेंगे अलबत्त इसी मुहिम का क्योंकि हमने अनुमान रखा हया और ईमान तो इस हया के हवाले से कुछ बुनियादी बातें और इसी ताल्लुक से इसकी जो ज़िद है बेहयाई है और मरूफ मानों में जब इस पर कलाम होते तो फहाशी है यानी है बेपरदगी है जिना की तरह ले जाने वाले रास्ते हैं उन सब की मजम्मत करना भी हमारी दीनी ज़िम्मेदारियों में शामिल अल्लाह हम सब की भी है। हया की हिफादत फरमाए हमारे घरानों की अफराद की हया की हफ़ादत फरमाए इस उम्मत की हया की हफात फरमाए बहरहाल इस ताल्लुक से पहले तो ये कि हया किसे कहते हैं बड़ा प्यारा लफ्ज़ है बड़ा वसी मफहम का हामिल लफ्ज़ है इसको तो यूँ बयान किया गया कि हया एक फितरी जज्बा है जो अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा कि वो जज्बा जो हमें खैर की तरफ माइल करता है तरगीब दिलाता है तश्वीक दिलाता है और शर से नफरत हमारे दिल में पैदा करता है और शर से इजतनाब की तरफ हमें रागब करता है खैर की तरफ तरगीब दिलाता है और शर से इजतनाब करने की तरफ मुतवजह करता है इस जज्बे का नाम हया है कुरानी अल्फाज में कहें कभी अल्लाह ताला फरमाता है फिलहम आ फूर व तखवा हाँ सूरत शम्स में अल्लाह ने इंसान में फजू गुनाह की सलाहियत भी रखी और तखवा इसकी भी सलाहियत रखी ये दोनों मुतजाद सलाहियतें रख कर हमें इम्तहान में डाला गया कामयाब कौन है कदफ मन मनजा हा यकीन कामयाब वो हुआ जिसने नफ्स का तजकिया कर लिया और ये अपनी जगह बहुत बड़ा मौजू है पैगम्बरों की बुनियादी दावत भी है हज़रत नबी सलाम के फ़राइज में भी शामिल वहीज़क्क़् हम वू तस्किया फरमाते फ़िरौन के सामने मूसी सलाम दावत पेश कर रहे हैं सूर नाज़्यात में हम पढ़ते हैं सूर्य नाज्यात में जिक्र आता है कि फ़िरौन के सामने मूसा सलाम ने भी फरमाए कि अम तज़क का क्या तू चाहता है कि मैं तेरी रहनुमाई करूँ ताकि तेरा तस्किया हो जाए सूर की आयत नंबर छहत्तर में अल्लाह अल्ला सुबह फरमाता है वजार का जजा उमन तक ये जन्नत किसके लिए तस्किया हासिल कर ले अल्लाह किसे कामयाब कहता है आखिरी पारे में हम पढ़ते हैं आला में भी कत अफला मन जक्का जिसने तस्किया इख्तियार कर लिया वो कामयाब हो गया तो ये जा बजा तस्किए का तस्करा ये तस्किया भी क्या है गुनाह से इजतनाब और शर से इजतनाब और खैर और नेकी में आगे से आगे बढ़ना ये जो अल्लाह ने दोनों सलाहियतें रखी तो शर वाले पहलू को दबाना यानी शर और बुराई से अपने आप को रोकना और खैर में आगे बढ़ना नेकी में आगे बढ़ना ये तस्की का बुनियादी हासिल है यही हया का मफहूम है जो हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने रख दी आमतौर पर जब हया के तालुक से कलाम होता है तो उसका वह पहलू जिसकी मजम्मत की गई है वो ज़्यादा नुमाया होता ठीक बात भी है ये फहाशी फैल रही है बे फैल रही है बेपरदगी का मामला ड्रेस कोड का मामला और जिना के रास्ते फिल्म नाब नाच गाने इन सब की मजम्मत आगे हम कर रहे हैं अलबतः हया के ताल्लुक़ से जब कलाम हो तो उसकी ज़िद यही चीज़ें हैं उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए और हमने करनी है अलबत् हया बड़ा वसी मफहूम का हामिल एक जज्बा है जो अल्लाह ने फितरत में रखा सादा सी मिसाल जब कोई बेटा या बेटी सीना तान कर मां बाप के सामने कर बात कर रहे तो हम क्या कहते हैं बड़ा ही बेहया है बड़ा ही बेशरम है हालांकि उस मौके पर कोई आ, आप कहिए कि लिबास का मसला जेर बहस नहीं आया कोई उल्टी सीधी गलत कस्म की चीज स्क्रीन पर देखने की बात सामने नहीं आई फहाशुर वाली मगर वह जो माँ बाप का अदब मतलूब है मकसूद है एहतराम है अदब है रिस्पेक्ट है उनकी इस औलाद ने उसकी खिलाफ वर्जी की और माँ बाप के साथ सख्त कलामी का मामला किया इस तर्ज अमल को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा ही बेशरम बड़ा ही बेहया कभी माँ बाप पाल पोष के जवान करते हैं औलाद को और वीना तान कर बात करती है तो हाल कोई लिमिट आ ही जाती है तो कभी बाप भी कहता है बेहया बेशरम तुझे इस दिन के लिए पास पोल पाल पोस का जवान किया था क्या मतलब होता है तूने बरदारी नहीं की तूने वफादारी नहीं की तूने रिस्पेक्ट नहीं की और वो जो बेहयाई की मजम्मत वाले पहलू वो उस वक्त जेर गुफ्तु को नहीं होते ये अखलाकी रवैये का मसला है हम कहते ये भी बेहयाई है छोटा कोई बड़े के साथ, अलबा अगर तो बड़ों को बड़ा समझा जाता हो अब तो हर कोई अपनी जात में बड़ा है हर एक ही मैं है हर एक का अपना ट्विटर का अकाउंट है हर एक अपना का अपना पर्सनल यूट्यूब पर्सनल जाति हर एक अपना पर्सनल जो है वो यूट्यूब चैनल है और हर एक का मैं, मैं 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 का मामला था कोई किसी को खातिर भी नहीं लाता कभी बड़े बूढ़े समझाते थे घरेलू मामला में शोहर बीवी के दरमियान निजाज झगड़ा बेटा मान जाओ तो खामोश होकर बड़ों की मान लिया कर अब क्या कहते हैं हम आजाद हैं अपने काम से काम रखो और अगर दूसरी सोसाइटीज हो तो वो नाइन वन वन वालों को फोन कर देते हैं और नाइन वन वन वाले आके जो है वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं माँ बाप को चुप करा देते हैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तो कहीं हो तो बहरहाल बड़ों का अदब कोई नहीं करता और बड़ों के साथ सख्ती करता है बेअतरामी का मामला करता तब भी हम क्या कहते बड़ा ही बेशरम बड़ा ही बेहया है यहां वो लिबास का पहलू और का पहलू फहाशी का पहलू नहीं है किरदार का मसला है इसी तरह अल्लाह अकबर हजी से मुबारक में आता है अल्लाह के रसूल सलाम फरमाते सबसे बढ़कर अल्लाह ताला इस बात का हकदार है कि उसके साथ हया की जाए क्या मतलब माँ बाप ने पाल पोस कर औलात को जवान की और औलाद आगे से सीना तान कर बात करे तो बेशर्मी की बात है ना अल्लाह कौन है हमारा खालिक है मालिक है राजिक है मुहाफिज है करोड़ हा करोड़ देने वाला नेमतें जिसके बारे में वो खुद कहता है दो मरतबा सुर नहल में इब्राहिम में व इन तउ्द नएम तुहा अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो भी तो शुमार नहीं कर सकते फभी अय आला रबी मा तो कर दिबान बस तुम अपने रब की किन किन नमतों को झुटलाओगे सबसे बड़ी बेशर्मी क्या है सबसे बड़ी बेहयाई क्या है सबसे बड़ी ना क्या है सबसे बड़ा बहुत ही गंदा तर्ज अमल क्या है कि बंदा खालि की नेमतों का एतराफ ना करे बंदा खालि की इता ना करे बंदा खालि की नाफरमानी करे और कैसी बेशर्मी और बेहयाई की बातें इस रवैये के अतबार से बंदा डॉक्टर्स के कहने पर हलाल को छोड़ देता है, है ना कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का इशू है शुगर का प्रॉब्लम है ये है वो है तो डॉक्टर ने कहा भाई ये भी मना ये भी मना सब हलाल होता है सब हलाल होता है और हम आंखें बन गए बिल्कुल डॉक्टर साहब मुझे जान अजीज है मैं कुछ भी कर सकता हूं कितना हम लोग केयर करते हैं ना तो डॉक्टर के कहने पे हलाल को छोड़ देते हैं अल्लाह सुबहान तला के फरमाने पर हराम भी छोड़ने को तैयार नहीं हो होते ये सबसे बड़ी बेहि है सबसे बड़ी बेशर्मी है तो जैसे माँ बाप के बारे में जैसे बड़ों के बारे में गलत रवैये तर्ज अमल को हम कहते बेहयाई तो सही तर्ज अमल को क्या कहेंगे हयादार रवैया तो अल्लाह के मामले में ना फरमानी है ना शुक्री है उसकी नेमतों की ना शुक्री है उसकी ना फरमानी का रवैया है हराम को नहीं छोड़ रहे अत नहीं कर रहे फराइज पर अमल नहीं कर रहे उसके साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत नहीं कर रहे उसकी इताश सबसे बढ़कर नहीं कर रहे उसको तरजीह अव्वल अगर नहीं बना रहे तो सबसे बड़ी बेहयाई है तो या तो पूरी पर हासिल है कि शर से बचकर खैर में आगे बढ़कर नेकी के रुझान को पाकर नेकी में आगे बढ़ना और गुनाओं से इज्तनाब करना यही तस्की नफ्स का हासिल भी है अलबत् रहे शर वो है जिसे रब ने शर कहा है और उसके रसूल ने शर कहा है सल्लम। खेर वो खैर है जिसे रब ने खैर फरमाया है और जिसको रसूलुल्लाह ने खैर फरमाया वसल्लम हाँ नेकी बदी बुनियादी शोर नेकी बदी का हमारे अंदर बिल्टिन है हमारी फितरत में फितरत इंसानी में अखलाक हिस्स मौजूद है नेकी बदी का एक बुनियादी तस्वर मौजूद है मगर इंसानी अकल कामिल नहीं है काफी नहीं है मोहताज है बंदा इसलिए अर्ज किया कि खैर का और शर का कामिल तस्वर वो वही की तालीम के जरिए मिलेगा जो रब आता फरमाते अपने चुने हुए बंदों को जिनको आप अम्बिया और रसुल कहते हैं आलिम इस वसी तर के बाद अब आइए हया की जिद जिसे हम बेहयाई कहते हैं हया की जिद में जिसमें फहाशी और यानी के मामलों आते हैं इस सारे तनाजुर में अब आगे हमने कलाम करना है इन शवाले से कुरानी हकीम में जा बजा तस्करा मैं एक ही मकाम उसकी तीन आयात का तर्जमा मुख्तर वदात के साथ रख दूँ यह सूर्य नूर है आयर अठा उन्नीस बीस और इक्कीस सूरतनूर मदनी सूरत आप हर हम जानते हैं। बहुत अहम माशरती हिदायत अता की गई इसी में घर के अंदर के पर्दे के हवाले से भी ता, ता, तालीमत अता की गई ये मौजूद तो हैं अलबतः सुरतनू के दूसरे और तीसरे रुकू में वाक इफ्क का तस्करा है सन्चय हिजरी की बात गर्जवा बनी मुस्लक से वापसी का मामला और अम्माएश रजी अल्लाह तह का वो हार का खो जाना फिर उनका बाद में काफ़िले से जा मिलना वो पसमंज़र ज़हन में रखें और उम्मत की माँ अम्माएश रजी अल्लाह तहा पर एक तहमत लग गई कुछ ज़बानों पर आ गई झूठा इल्ज़ाम मददल्ला अल्ला। अल्ला ने अल्लाह रजियल्ला तहा की इफ़त और पाक दामिनी के ऐलान के लिए और उनकी बरात के ऐलान के लिए वही अता फरमा दी क्या एजाज़ उनको अता हो गया जी इस पूरे वाक जहन में रखें वाक़ इफ़ हमत लगी है उम्मत की माँ तो सिद्दीका है इफ़त और पाक दामनी का पैकर है रब ने उनकी इफ़त के ऐलान के लिए बरात के ऐलान के लिए वही अता फरमा दी मगर यह बात कुछ जुबानों पर आई यानी इल्जाम 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 बुराई का बड़े बुरे अमल का इल्जाम ये कुछ जुबानों पर आया इस पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है सूरह नूर आयत आयर उन्नीस इन लदीन लदीन आमन बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान में फोश बातों की इशात हो फैले लहु आदाबली उनके लिए दर्दनाक आदाब है फिर दुनिया वाला आखिर दुनिया और आखरत दोनों में वाहमो और अल्लाह जानता है वह अन तुम लाता और तुम नहीं जानते एक तोहमत है बुरे अमल का इल्जाम है माला इल्जाम ये बात कुछ जुबानों पर आई है तो अल्लाह का गजब भड़क रहा है कि जो ईमान वालों में यह बेहयाई फ़ाहिशा की फोश बातों की इशात चाहते हैं हालांकि मैं चौथी पांचवीं उम्र तबर्श कर रहा हूं ताकि अंदाजा के आज हम कहां खड़े और कुरान क्या फरमा रहे और अल्लाह का गजब कैसे भड़क रहा है जो चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियानी बेहयाई की इशात उनके लिए दुनिया और आखिरत में आदाब है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते यानी अगर ये मामला चलते चले जाए ये तो इल्ज़ाम चला है अभी जुबानों पर बिलफिल अगर फहाशी और यानी फैले तो क्या 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 तबाही बर्बादी आएगी अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते इस बात को फिर सोचिए जबान पर इल्जाम की बात आई है उस पर अल्लाह का गदा भड़क रहा है हम आज कहां खड़े बड़े अच्छे अंदाज से खुशू और खजू के साथ पूरी तखवा की कैफियत के साथ अभी सजदा रेज होंगे अल्लाह तला के सामने बाहर निकलते ही किस तरह औरतों को चश्मा किया जा रहा है उनकी तस्वीरों को बिल बोर्ड के ऊपर किस तरह औरत की तजलील की जा रही है किस तरह कम या नस्बता कम या खास से कम लिबास के साथ उरियां या नीम बरहना करके पेश किया जा रहा है किस तरह औरत की तजलील करके उसको प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है गाड़ी बेच रहे औरत को बिछा बिठाकर वट आर यू सेलिंग द वुमन और द कार मर्दों के इस्तेमाल की चीजें बेच रहे हो औरतों को दिखाकर और औरतों ही ने कहा खूब कहा गर्मी का सीजन भी आया जाता है कपड़ा बेचना कपड़ा बेचो औरत को तो ना बेचो और वो बेखुदा तहजीब के मनादिर शरीर सर्दी बर्फ पड़ रही है ठंड पड़ रही है मर्द ने कोट और ओवर कोट और कैप और सब कुछ सब कुछ पूरा पहना हुआ है औरत को किस तरह पेश कर रहे बहरहाल फिर इससे आगे बढ़कर फिल्में और ड्रामे और नाच गाने ये तो पुरानी बातें हो गई सोशल मीडिया पे क्या कुछ अवेलेबल नहीं क्या कुछ अनकंट्रोलेबल अवेलेबल नहीं और फिर तालीमी इदारों का हाल वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की, की बात आ चुकी है बयान करने की हाजत नहीं शहर लाहौर की यूनिवर्सिटी का एक बहुत मामला अभी आ चुका आपके हमारे सामने मुस्तकिल तालीमी इदारों में जो कुछ हो रहा है रेब तब के, के? स्मला कत्तो गत गरी तक की बातें नफसियाती मराज इसको मोहब्बत लेला मजनू की दास्तानों में मुबतला तलबा वालिबात नफसियाती मराज में मुबतला है और आगे बढ़कर निकाह का इनकार और जिना के रास्ते दरवाजे खुल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की रिवायत है आंख भी जीना करती है कान भी जीना करते हैं जुबान भी जिना करती है दिल भी जिना करता है हाथ भी जिना करता है पैर भी जिना करता है नामहरम को देखना बुरे जज्बा के साथ और लज्जत हासिल करना ये आख का जना है कानों से सुनना ना महरम को या नाह मेहरम की बातों को लज्जत लेना ये कान का जिना है बुरा ख्याल लाना ना महरम के बारे में दिल में और लज्जतें महसूस करना ये दिल का जना है जुबान से गुफ्तु ऐसी करना कि जिससे लज्जत हासिल हो ना मेहरम के ताल्लुक से ये जुबान का जिना टच करना क्या कुछ नहीं हो रहा आज खानदानों में शादी ब्याह के मौके पर नमाजों के अहतमाम करने वाले पर्दों के अहतमाम करने वाले भी समझते कि इस मौके पर आज़ादी इन्ना दिल्ला ये तो कज़न्स हैं तो चलता है तो छोटा ये भाइयों की तरह है डांस हो गया तो क्या हो गया माँ बाप बेगैरत हो जाते हैं उनके सामने सब कुछ हो रहा होता सब वीडियो बन रही सारी दुनिया देख रही और टच करने पर रसूल सल्लासम ने फरमाया तुम्हारे सरमे को कील ठोंक दे बर्दाश्त कर लेना किसका था सखात तुम्हारे सर में कील ठोक दे इसको बर्दाश्त कर लेना मगर तुम ना मेहरम को छुओ वो तुम्हें छुए इसे गवारा ना करना हमारे कितना आम सी बात है हैंडशेक इससे आगे बढ़कर उससे आगे बढ़कर डिफाइन करना भी जबान लड़कर आती है ये छह का जिना हजूर बयान फरमा हाँ बिल आखिर वो अमल अमल जिना है जिस पर सजा का मामला मगर जो कुरान कहते हैं ला तख रब जिना, जिना के करीब भी ना जाओ जराए हैं जो वहां तक जाने वाले इनके ऊपर भी पाबंदी दीन ने लगाई है बहरहाल इससे आगे की बातें हम सबके हैं शुतर मुर्ख की तरह रेत में सर डालने का कोई फायदा नहीं वो दज्जाली तहजीब का हमला हमारी सियासत पर हुआ लिबरल हो चुके सेक्युलर हो चुके कलमा पढ़ा रखा अपने आइन को हरकतें वही काफरों वाली हैं तर्ज अमल जैसे कलमा पढ़ रखा है एक बच्चे से पूछा बच्चों से पूछा क्लास में सर बच्चो बेटा बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ते पहले भी मैंने किया होता होगा गालिबन तो बच्चा कहता है जो काफिर होता है वो नमाज नहीं पढ़ता और जो मर जाता है वो नमाज नहीं पढ़ता जो काफिर होता है वो नमाज नहीं पढ़ता जो मर जाता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जिंदा और मुसलमानों तो नमाज तो पढ़ेगा ना अदा तो करेगा ना तो दावा है कलमा है मगर अमलन काफरा तर्ज अमल है बात अगर तलख लग रही है तो हदी मुबारक मंतर कसला फकत कफर अमल के अतबार से जिसने जान बूझ के नमाज सर कर दी वह कुफर कर चुका जामदी की रिवायत अल्लाह हम सब की हिफादत फरमाई तो सियासत का निधाम तो गया मीशत वो भी द्जाली तहजीब के जेर असर अकल बाला तर वहीं की तालीम नीचे जुआ सट्टा भी चलता तो क्रिकेट के मैदान में भी जुए सट्टे चल रहे फहाशी उद्याणी भी वहां पर चल रही और सूद का धंधा जारी और अल्लाह उसके रसूल के साथ ऐलान जंग और सीने के सीने तान कर और डंके की चोट पर जंग जारी और सूद का रेत बढ़ा दो और अल्लाह उसके रसूल से जंग तेज कर दो ये ना देख रहे रहा सा कुछ माशरत का पहलू था हमारा फैमिली फैब्रिक था हमारा फैमिली सिस्टम था आज वो स्टेक पर आ गया है आज हया जा रही है हमारी और हया जाए तो क्या होता है अल्लाह के रसूल आल्लाम ने फरमाया तिरमीजी शरीफ की रिवायत कि हया और ईमान दोनों साथी को कंपेनियन साथ रहने वाले हया और ईमान दोनों साथी अगर एक गया तो दूसरा भी गया और गया तो फिर क्या होगा अल्लाह के रसूल की रिवायत है तस्ताही में था, या आलम ला तालम। वो तबाही मचेगी अल्लाह जानता तुम नहीं जानता हजूर क्या फरमा रहे उड़ जाए तो जो चाहो सो करो फिर क्या बचा और आखरत में कामयाबी के लिए नजात के लिए शर्त ईमान है ईमान गया तो बचा क्या फिर कौन सी नजात आखरत की? भी बर्बाद आखरत भी बर्बाद अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए इस आयत में आगे फरमाया और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता उसकी रहमत ना होती आगे अल्फाज महजूफ माने जाएंगे महजूफ का मतलब है कि है कि अंडरस्टूड यहां पर बयान नहीं हो क्योंकि आगे कुछ अल्फाज और भी आए हैं वह अल्फाज अगली आयत में मा जका मिन अबदा से कोई एक भी पाकीजा नहीं रह सकता था ये एक महदूफ माना गया इसके अलावा भी आ रहा है तो फरमाया कि अगर तुम पर अल्लाह का फदर और उसकी रहमत ना होती मुराद एक किया तुम्हें से कोई पाक नहीं रह सकता था वन अल्लाह रऊफ़र रही बेशक अल्लाह बहुत शफकत फरमाने वाला रहम फरमाने वाला तुम्हारे गुनाहों पर फौरन नहीं पकड़ता तुम्हें मोहलत देता है इस्लाह आमल के लिए अगली आयत सोन नूर की आयत नंबर इक्कीस यादीना आ मनू ईमान वालों ला के पैरवी न करो वात शैतान और जो कोई शैतान के नशे कदम की पैरवी करे मुनकर तो बेशक वो तो बेहियाई और मुनकर की बात ही का हुक्म देता है ये शैतान की दावत है मुनकर और बेहियाई की दावत देता है और रहमान की दावत हर जुम्मे में खुदबे में आखिर में सुनते नब्वेल फहशा इवल मुनकर रहमान तुम्हें फहशा से और मुनकर से मना फरमाता है तो दो ही दावतें दुनिया में पार्टियां भी दुनिया में असलन दो हैं हम छह सौ छत्तीस बना लें या दस हजार बना लें अल्लाह या पार्टियां दो हैं सूर मुजादला अट्ठाईस पारी की पहली सूरह हिजबल्ला और हिजबुल शैतान अल्लाह की पार्टी शैतान की पार्टी सिस्टम्स भी असलन दुनिया में दो हैं या तो रहमान का होगा या शैतान का होगा शेड्स डिफरेंट हो जाएंगे दावतें भी असलन दो हैं रहमान की या शैतान की दावत तो शैतान की दावत क्या है बेहयाई की दावत दे रहा है बेपर्दगी फहाशी और यानी निका का इनकार जिना की तरफ तरगीब मर्द और औरत का आज़ाद इख्तलात का मामला औरत की तजलील करने का मामला औरत को खिलवाड़ बनाने का मामला औरत को इश्तहार का जरिया बनाने का मामला वगैरह वगैरह यह शैतानी काम है और एक बात जमनन भी आज अहम है जब हम हया की बात करते हैं तो फ़कत इसकात से नहीं है ईमान मर्दों को भी तो मतलूब है तो हया मर्दों को भी मतलू मर्दों से भी मतलूब है निगाहों का हुक्म अगर हिफाजत का रब ने दिया है तो इसी सूर नूर में आए तीस में पहले मर्दों को दिया फिर आयत इकतीस में औरतों को दिया है निकाह की तरकीब मर्द और औरत दोनों के लिए तब निगाह नीची रहेगी शर्मगाह की हिफाजत होगी रसोल्ला की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतर के अहकाम के जिसम का वो हिस्सा जो लाजमन हर हाल में छुपा रहे सतर के अहकाम मर्द के लिए भी है सतर के अहकाम औरत के लिए भी मर्द और, और औरत का यानी आज़ाद इख्तलात ना हो तो यह हुक्म मर्द के ताल्लुक से भी और औरत के ताल्लुक से भी है और तन्हाई में दो नाम में हुजूर ने फरमाया ना दो नाम महरम तन्हाई में होंगे तो तीसरा कौन होगा शैतान साथ होगा तो याद रहे जब हया के ताल्लुक से कलाम हो तो जहां औरतों के लिए रहनुमाई है वहां मर्दों के लिए भी इक्वली उस ताल्लुक से निगाहों की हिफाजत सतर का मामला निकाह का मामला मर्द और, और औरत के इख्तलात आजाद अख्तलात से इज्जत नाक का मामला सो so ये सारी मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी उनके उनके दायरे कार के, के, के तो तो बेशनकर का हुक्म तुम्हें देता है अगले अल्फाज बड़े दिल के कानों से सुनिए वजल और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता वह और उसकी रहमत ना होती माँ जका मिन कुम मिन आहा दिन अबदन तो तुम इससे कोई एक भी तस्किया हासिल नहीं कर सकता था पाक नहीं हो सकता था मैं अगर यहाँ बैठ कर ये आयात आपके सामने बयान कर रहा हूँ और जिन बातों की मजम्मत कर रहा हूँ और अल्लाह ने फदल फरमा कर मेरी अगर हिफाजत की है मेरे घर वालों की हिफाजत की है तो ये अल्लाह के फजल से है हम और आप पाकिजा माहौल में बाद मैंने अपनी ज़ार से शुरू कर दी हम और आप इस पाकिजा माहौल में इन बातों को सुन रहे हैं और जिन गलत बातों की मरम्मत हो रही है हमारा दिल कुड़ता भी है नफरत भी हम उससे करते हैं और अगर अल्लाह ने अपने फजल से बचा रखा है तो ये अल्लाह का फजल है ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है और याद रहे अगर कहीं किसी भाई में बहन में कहीं हमें कमजोरी नजर आए किसी इन मामला के हवाले से तो कोई फतवा देने की पोजीशन इख्तियार ना करें वर्डिक देने की पोजीशन इख्तियार ना करें पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे बचाया है और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे कितने हैं जिनको अल्लाह ने पोशीदा रखा हुआ किसी के सामने जाहिर नहीं किया दूसरों के लिए जज बनना बड़ा आसान होता है और हम अपने लिए वकील बन जाते हैं अपनी सौ गलतियों के लिए हजार अवजु पेश कर देंगे और दूसरे की वंस इन अलूमून कभी एक मरतबा की गलती पर सौ जजमेंट दे देंगे ना अगर किसी का सामने आए तो हमदर्दी के जज्बात के साथ करेंता फरमाता है वह समियन आलिम और अल्लाह तूब सुनने वाला खूब इल्मने वाला है बहुत कुछ बातें करने को दो तीन बातें और आखिरी कुछ हालत हाजरा पर कलाम करेंगे अल्लाह के नबीम की बहुत सारी अहदीस हमने इस मुहिम के दौरान में कुछ मवाद कुछ कंटेंट आपसे शेयर भी किया है हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है कुछ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है इसी तरह यहाँ एक ब्रोशर भी है जो हमने शाया किया मुमकिन आप तक पहुँचा होगा या पहुँच जाएगा इन शी हम सब भी इससे गुजरें और इन पहलुओं को उजागर करें अपने सामने घर वालों के सामने मसलन अल्लाह के नबी सल्हु वसलम फरमाया तिरमिज़ी शरीफ़ की रिवायत बेहयाई जिस शेय में भी होती है उसे ऐबदार बना देती है आएगी और हया जिस में भी होती उसे खूबसूरत बना देती हदीसे शरीफ में जब किसी कौम में ऐलानिया जाए तो उन पर ताउून को मुसलत कर दिया जाता है या फिर ऐसी मोहलिक बीमारियां और ऐसी बीमारियों में मुबतला कर दिया जाता है जिनका पिछली कौमों ने नाम तक नहीं सुना होता आज हम देख रहे हैं इस दौर में क्या कुछ देख रहे हैं तिरमिजी शरीफ की रिवायत है हया ईमान का हिस्सा और आहले ईमान जन्नत में होंगे और बेहम है और ालिम जहन्नम में जाएंगे हदीस तिरमिजी शरीफ में रसूल ने लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे और उन, और उन औरतों पर भी लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। आज क्या हो रहा है सलून्स के अंदर और वैसे तो हजाम की दुकान कहते हैं बसरा वो टच आ गया उसके अंदर थोड़ा सा हाई फाई किस्म का हो गया लड़के क्या बनने लड़कियां बुंदे पहने में इधर लगा रखा है उधर लगा रखा है लड़कियों की तरह मेकअप करा रहे हैं और थ्रेडिंग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मैं तो बहुत ही कमजोर हूं इस हवाले से नॉलेज रखने में क्या याखिर है है? मर्दों के लिए था कि तुम्हारे तखने खुले रहें रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु सल अलाम औरतों की आदि आदि पिंडलियां खुली हुई इन्ना वही औरत बाय डिफॉल्ट औरत किसे कहते हैं फिकही मसला सतरे औरत पढ़ते हैं ना हम वो हिस्सा जिसको पोशीदा रखा जाए तो औरत तो है असलन पोशीदा रखी जाने वाली शय हर कीमती शय को हम पोशीदा रखते हैं अल्लाह कीमती बनाया उसने और आज वो कर बिल्कुल सामने एक हदीस यानी रसूल उस मर्द को जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती और दय्यूस का कम अज कम तर्जा तर्जमा है बेहया हो जाना गैरत का खत्म हो जाना

माला इस हवाले से बहुत कुछ हमारे यहाँ बहुत कुछ बढ़ गया हमारा फ़र्ज है कि इस सैलाब के सामने बंद बांधने की कोशिश करें अपनी जात अपना घर इन तालीमत से घर वालों को रोशनास कराना घर में सतौ और के अहकाम का इल्म होना पर्दे का अहमाम कराना मर्द और मर्द औरतों की सेग्रीगेशन की कोशिश करना इन अहकामा से घर वालों को रोशनाश कराने की कोशिश करना माशरे में इनको आम करने की कोशिश करना ये हमारे इख्तियार में हम पहुँचा सकते हैं बता सकते घर में इख्तियार भी होगा बिलफेल हुक्म देने का भी माशरे में दावत तो तबलीग होगी तरगीब होगी तश्ीक होगी अवेयरनेस होगी और हुक्मरानों के पास बाहर हाल इख्तियार हुआ करता है और वहाँ से अब अवानी ऐसे पास किए जा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर हम जिस परस्सी का रास्ता खोल दिया जाए अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कहाँ तक बात चली गई है बहरहाल इसी राज तबाही के दहाने पर खड़े हैं और अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाया नहीं हया नहीं तो ईमान नहीं अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक़ से हम जहनसाज़ी भी करें बात को भी आगे बढ़ाएं एक पॉजिटिव मसबत पहलू भी आपके सामने रखूँ चौदह फरवरी गुजर गया वैलेंटाइंस डे नहीं बनाया गया ये बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव बात है उस दिन मैं भी एक कुछ चेक साइन कर रहा था तो चौदह दो तेईस चौदह दो तेईस छह दफा लिखा तो चौदह फरवरी तो वैलेंटाइन डे का क्या हुआ भला कराची में रहता हूं हम बीस सिग्नल से गुजरते थे शहर में तो चौदह तारीख को अठारह उन्नीस बीस सिग्नल लाल होते थे फूलों से एक अरसा गुजरा दस बारह रह गए अब एक भी नहीं है खुश आन बात यह हुई इस पुरफितन दौर में भी कि दीनी तबकात की तरफ से भी कुछ बात आई आवाम की तरफ से भी बात और हद यह है कह रहा हूँ यहां पर बैठकर कि शो बिश के लोगों की तरफ से भी कोई बात आई कि तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो जाएगा तो बात चलती है और बढ़ती है तो उसका असर भी हुआ करता है और हम इसके मुक़ल्लफ़ हैं हाथ की ताक़त जहाँ वहाँ पर हाथ से रोकेंगे मगर जहाँ हाथ की ताकत ये जोर फरमाते कि बरई को अपनी ज़ुबान से रोकने और बदलने की कोशिश करो तो हम सब ने अपना हिस्सा डालने की कोशिश करनी अपने अपने तई यही मुहमे जो मुस्तित हम लेकर चल रहे हैं अल्लाह ताली इसमें हम सबको हमारा हिस्सा डालने की भी तोफ़ी दे और अमला अवला असलन हमें हमारी हया और हया से मुतल का जो तकादे उन अमूर को अंजाम देने की तोफ़ी अता फ़रमाए हालात हमारे सामने हैं हर दिन हालात कि दिगर होने का मामला पाकिस्तान की सालमियत का मामला पाकिस्तान की मीशत का मामला डॉलर की पे रिकॉर्ड छलांग लग गई है और आई एम एफ की शराइ और बढ़ गई हैं और हमारे इदारों के जिम्मेदारान ने या हमारे इदारे के जिम्मेदारान ने कह लीजिए सूद की शराह को और बढ़ा दिया यानी हम सूद और बढ़ाकर अल्लाह तला के साथ और उसके रसूल के साथ जंग को और बढ़ा ही रहे ना और इस मुसीबत में मुबतला क्यों है? क्योंकि जंग खत्म करने को तैयार नहीं तो हमारा मुस्किल तकादा मुस्तकिल दहानी मुस्तकिला दर्द दिल और अल्लाह के बंदो सूद ख़त्म होगा तो मामला हमारे दुरुस्त होंगे और दूसरी तरफ लगता है कि पूरे एक एजेंडा है जिसका पूरा जोर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक ऐसी सतह पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि एक कॉर्नर हो जाए हमसे कहा गैस के बिल बढ़ा दो बिजली के बढ़ा दो पेट्रोल के बढ़ा दो ये कहाँ सर जी बिल्कुल ठीक है जी हम तो आपके बगैर छीक भी नहीं सकते और हम कह चुके खुद बात है जुमा में भी पहले भी कहते चले आए कल को कहेंगे इसराइल को भी तस्लीम कर लो तो झुक जाएंगे क्या इतना कॉर्नर करने की बातें की जा रही और अब तो बात जबान जद आम हो रही है ना और कुछ नज़र भी आ रहा है हमें वाक़ात मुशाहदात भी कुछ सामने आ रहे हैं कि अब आप अपनी एडमी सलाइत भी हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो जाए एक तरफ वो जो आई ए ई ए का जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो जो, जो चेक करती है कि जनाब जो आप लोग वेपन्स वगैरह हैं वो किसी तबाही का पेश ना बन जाए तो जरा कंट्रोल किया जाए उसके ज़िम्मेदारान भी आ गए और जनाब हमारे वज़ीर आज़म से भी मुलाकात है आलादारों से भी मुलाकात है और इस तसलसल में मुलाकातें तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो महसूस होता है और उसी के साथ यहूदी फैमिली का बहुत बड़ा जो रॉ चाइल्ड का पूरा सिलसिला है और बड़ी उनकी कंपनीज वर्ल्ड वाइड और उनके आ, आ, अफराद आकर मिल रहे हों कि ये वही घराना ये वही यहूदी लोग हैं कि जिन्होंने बालफो डिक्लेरेशन के ज़रिए से फलस्तनी के लिए ज़िंदगी को अजीरन किया अदाब में मुबतला किया तबाही बर्बादी में मुबतला कर दिया अब वहाँ के अफरा आकर हमारे वज़ी अजम से वज़ी ख़जाना से और कुछ और लोगों से भी मुलाकातें कर रहे हैं तो कुछ तो दाल में काला नज़र आता है हमारी दर्द दिल की बात क्या है क्या इस पाकिस्तान से उसकी एटमी सलाहियत का भी तकादा किया जाएगा ताकि ये कि भारत को जो है वो खुलकर मौका मिल जाए और वो हम चढ़ दौड़े याद रखिएगा चौदह मई उन्नीस सौ अठानवे को भारत ने एटमी धमाके किए थे और पंद्रह मई उन्नीस सौ अठानवे को वाजपेई वजीरम था उसने कहा था पाकिस्तान की ईट सेट बजा देंगे अट्ठाईस मई को अलहमदिल्ला ते तो हमने एटमी धमाकों का ऐलान किया और उनतीस मई की सुबह को वाजपेई का बयान था वी आर रेडी फॉर द टेबल टॉक्स हम मुकर के लिए तैयार हैं तो ये है अल्लाह की नियमत और सच्ची बात है इसे पाकिस्तान नहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे उनके साथ भी मुलाकात और कुछ एक दो प्रोग्राम्स टीवी पर हुए तो हमने वहाँ भी बात अर्ज की तो और हमारे साथ डॉक्टर साहब डंके की चोट पर कहते थे ये उम्मत मुस्लिम की अमानत है हमारे पास और वो वक्त आया चाहता तो हम पर के घास खानी पड़ेगी डिफॉल्ट हो जाएगा तो उम्मत के अफरा ने हमारी मदद की थी अल्लाह के फदल से तो अगर आज इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो गए हम भारत को जो हमला करने की दावत दे रहे हैं इस पर अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो पूरी उम्मत के साथ हम गद्दारी कर रहे होंगे तो हमारे जिम्मेदारान जिनका भी पार्ट इसमें है जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी याद दहानी के लिए कि बारह ये उम्मत की अमानत है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत इसकी हिफाजत हम पर लाजि है अल्लाह ताला हमारे हाल पर अहम फरमाए और हमारे मामला को दुरुस्त फरमाए और अल्लाह वाक़ता अपनी तरफ हमें रुजू की तोफ़ी अता फरमाए